अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये मैं अलासा में खड़ा हुआ हूँ और अभी मैं लेने जा रहा हूँ उम्रे का टिकट। तो मुझे जाना है मक्का और हम आपके लिए बताएंगे कि उम्रे का टिकट लेने के बाद कैसा सफ़र रहता है। मैं उम्रे का टिकट लेने जा रहा हूँ तो कहाँ से ले आऊँगा मैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे ये टैली मनी है, तो आप ये देख रहे हैं, ये टैली मनी अलकूफ में। और यहाँ पे ये आप देखें मेरे पीछे क्या है, ये है ओप्पो। और इसके बाद यहाँ पे ओप्पो है, ओप्पो की शॉप है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये आपने ओप्पो की शॉप में आपको दिखा रहा था, ये वो ओप्पो की शॉप है। और यहाँ आप देखो ये टैली मनी है, ठीक है ना, ये भी टैली मनी है। ये सारा आपको बंगाली मार्केट वगैरह दिख जाएगा। ये है शॉप, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ट्रैवल एजेंसी का हो, शॉप का हो, यहाँ से मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं। आज उमरा करिए। तो भाई यहाँ पर मैं टिकट लेने आया हूँ और उमरे पे जाने के लिए, और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम लोग टिकट लेकर उमरा करते हैं और क्या क्या मैं आपकी जर्नी, जो अपनी जर्नी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताता रहूँगा। पहले तो चलते हैं उमरे का टिकट लेने के लिए और देखते हैं कि वो हमें क्या पैकेज देते हैं। तो भाई हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सर मुझे जो है एक टिकट चाहिए जी। तो आप ज़रा बता सकते हैं अपने ट्रैवल एजेंसी के बारे में? ये उमरा ट्रांसपोर्ट सर्विस है सर, मैं ट्रैवल एजेंसी नहीं, उमरा ट्रांसपोर्ट सर्विस है। और इसका नाम आप ज़रा आप ही ले दो, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, तो मुझे मक्का का टिकट लेना है जी। यहाँ से मुझे जाना है मक्का, उसके बाद मुझे जाना है मदीना, तो उसके बारे में ज़रा बताइए जी। कब जाना है आपको? जैसा कि मुझे जुम्मे को जाना है, तो आपकी क्या बस कितने बजे से कितने बजे तक निकलती है? मेरी गाड़ी जो है, बस जो है, मेरे चार्जेस हैं 250 रियाल। ओके, रमज़ान के चार्जेस हैं ये 250 रियाल? रमज़ान के चार्जेस है 250 रियाल। ओके, आपको ईद में जाना है या कभी भी जाना है 250 रियाल है ईद तक? ईद तक, ईद के बाद? ईद के बाद इंशाल्लाह, ईद के बाद 200 रियाल हो जाएगा और ईद के नेक्स्ट डे 150 रियाल हो जाएगा। आम दिनों में, नॉर्मल डेज में 150 रियाल है, अगर रमज़ान और ईद तक जाएंगे तो 250 रियाल है। सही। अच्छा, यहाँ से अलहसा से जाएंगे हम मक्का, मक्का से जाएंगे मदीना, और फिर मदीना से वापस अलहसा, ये 250 रियाल है। अगर मुझे रूम लेना हो? अभी आम दिनों में है, रूम अलग है, आपका रूम अलग है। मेरे जो होटल है अल खलीफा, अल दैमन अल खलीफा। सही, कहाँ पर है? जिजिया के पास है, अल जिजिया मक्का अल खलीफा दैमन होटल। ओके, वहाँ होटल में कितने चार्जेस होंगे? चार्जेस वन बेड मिलेगा 80 रियाल। 80 रियाल 24 आवर्स के लिए, रमज़ान और ईद के लिए? हाँ, रमज़ान और ईद के लिए। अदरवाइज नॉर्मल डेज में? नॉर्मल डेज में जब आपको होटल 30 रियाल में मिलेगा वन बेड का प्राइस। वन बेड 24 आवर्स के लिए 30 रियाल होंगे, यानी वन आम दिनों में 150 टिकट है मक्का मदीना का, 30 रियाल आपको चार्जेस 24 आवर्स मिलेंगे। 180 रियाल टोटल रूम के साथ। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो इस वजह से 250 आने जाने का हो गया और 80 जो है वो रूम का हो गया। तो अगर आप दो दिन तीन दिन है, अच्छा आप ये बताइए कि मैंने लिया टिकट जुम्मे को फॉर एग्जांपल, अब मुझे आना है नेक्स्ट जुम्मे को, यानी कब लिए आप जुम्मे? इस जुम्मे का टिकट लूँ और मैं वापसी आना चाहता हूँ जुम्मे को। मक्के से आना है, मदीने से आना है? मुझे आना है, अब आप जैसा भी आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल मुझे मक्के से ही वापस आना है। नहीं नहीं, अब मक्के से, मक्के में एक ही दिन मदीना चाहिए, आपको कितने दिन चाहिए? अच्छा ऐसा भी है? ऐसा भी है, यानी आपको मक्का मुश्किल नहीं है, मक्का टू मदीना जाने के लिए आपको 4-5 दिन में आ जा सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं जाना है, यानी एक दिन मक्का दो दिन मक्का, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कितने। अगर हम अगर हम उमरा करने जाएं या ना जाएं, मैं अगर सिर्फ मक्का की लेना चाहूं तो भी मैं ले सकता हूं टिकट? ठीक है चलें। और बाकी ये कि आपकी जो सर्विस है वो कितनी देर में पहुंचती है गाड़ी, कितने बजे की? भाई अभी तुम्हारे को, अभी मेरा नाउ डेज में अभी जो टाइमिंग है 11 बजे गाड़ी निकल जाती है, 11:30 सुबह 11 बजे सुबह जोर के सामने गाड़ी जो है निकल जाती। सही है। और वहाँ मक्का में कब पहुँचती है? मक्के में इंशाल्लाह 2:30 या 3 बजे तक पहुँचती है। जुम्मे को भी यही टाइम है? सेम है, जुम्मे को है ना, बाद जुम्मे के इंशाल्लाह गाड़ी निकलती है। बाद जुम्मा यानी अलहसा में जुम्मा 12 बजे हो जाता है, 12:30 पौने 1 तक निकलती है। सही, 12:30 बजे तक गाड़ी निकलती है जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन
ठीक है, आम दिनों में 11 बजे निकलती है और रोजाना एक ही टाइम है, और मक्का में आपका पहुंच जाएगी 15 घंटे में तकरीबन। हाँ, 14-13 घंटे में इंशाल्लाह, 14 घंटे 15 घंटे में। इधर होटल है, वही होटल पे रुकाएगा, उसी होटल पे। हाँ, अगर मेरे पास होटल नहीं है, जो ट्रेवल्स है यानी आपको जो आने जाने के जो ट्रेवल्स है यानी कैसा आप मक्के से मदीना, मक्के से हरम जाना चाह रहे हैं, तो मेरी बुकिंग करा ली, आप बुकिंग करा ले तो मैं आपको शेल्टर देगा, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन भी देगा। आप मक्के से हरम आना चाह रहे तो खुद टैक्सी में तो जाना पड़ता, नहीं तो है ना आपका जो बात है ना, टैक्सी में तो जाना पड़ता, नहीं तो है ना फिर 2 नंबर 7 नंबर के जो बस, जो हुकूमत की जो बस है सऊदी में, वो उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। सही, यानी कि अगर मैंने टिकट लिया और मैंने आपके रूम नहीं लिया तो आप मुझे अपने इसमें होटल तक पहुंचा देंगे। हाँ, वहाँ से फिर मुझे मक्का खुद जाना है। खुद जाना है, हरम पे, सॉरी, हरम खुद जाना है, हरम खुद जाना है। सही सही सही, तो ठीक है, थैंक यू भाई, और मैं अभी टिकट लेने वाला हूँ और इनसे, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो भी जर्नी है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की जर्नी रही और किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। इनका ट्रांसपोर्ट सर्विस, उमरा ट्रांसपोर्ट सर्विस अलैसा में है, टेली मनी के बिल्कुल बराबर में। ओपो आपको मैंने शॉप दिखा दी है, शरीका शमू अल नखबा, शरीका शमू अल नखबा, ये आप देख लें। और टिकट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अदरवाइज़ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप देखते रहिएगा मेरी ट्रैवल, जो भी होगी मैं आपको बताऊँगा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा मेरा।